अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको अपने घर की क्यारियाँ और फूल और पौधे दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने डेकोरेट किए हैं। ये अब आपको दिखाते चलें, ये सूरजमुखी का फूल है, ये फर्स्ट फ्लावर निकला है अभी। तो ये देखें, इसकी हाइट चेक करें कितनी है हाइट इसकी, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये अब आपको दिखाते चलें, बॉटल्स में हमने इनको लगाया है फ्लावर्स को। अब इस पर फ्लावर्स निकलेंगे, जब ये थोड़ी सी धूप होगी तो ये इस पर फूल कलरफुल होते हैं ना, वो निकलेंगे। आपके घर में भी जो भी चीज़ें हों उन्हें रिसाइकल किया करें और इस्तेमाल में लाएं, ताकि वो भी अच्छे से इस्तेमाल हो सकें। ये आपको दिखाते चलें, ये टमाटर का पौधा है, ये देखें छोटा सा टमाटर भी लगा हुआ है इसके ऊपर, और इसके ऊपर ये वही फूलों की बेल है। ये अभी किसी भी पौधे पे फूल नहीं निकले, क्योंकि इन पर अभी धूप नहीं लगी। जब धूप लगेगी इन पर कलरफुल फ्लावर्स लगेंगे। आपके घर में जिस तरीके की भी बॉटल्स हैं उनको इस्तेमाल में लाएं, और ये देखें कितनी खूबसूरत सी हमने डेकोरेशन की है। ये सूरजमुखी का छोटा पौधा है। ये कली था, ये पुदीना, ये भी सूरजमुखी का है, अभी इसके अंदर से फ्लावर्स नहीं निकला। ये डेकोरेशन वाली खजूर टाइप होता है, वो है डेकोरेशन के लिए। ये अब आपको दिखाते चले, हमने एक टोकरी ली है, उसके अंदर छोटे छोटे से पौधे लगा दिए हैं। ये टमाटर का है और पुदीना भी है, धनिया भी है, अभी ये लग रहा है। आप भी अपने इस्तेमाल में लाएँ इस तरह की चीज़ें, और घर में खूबसूरत सा निज़ाम बना लें और अच्छा सा, ताकि देख के खुशी होती है इंसान को। ये अब आपको एक नए तरीके से भी बॉटल्स लगाना दिखाएं। ये देखें, अब ये पानी इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है इस तरीके से। ये अब आपको नज़र तो आ रहा होगा, एक बोतल नीचे लगाई है, एक ऊपर, और इसके अंदर हमने लगाई है एक रस्सी की, छोटी सी रस्सी लगाई है, ताकि ये पानी इससे ट्रांसफ़र होके इधर पौधों में आ सके। ये भी डेकोरेशन के नए नए तरीके हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। जिनके घर जगह नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं गमले नहीं ख़रीद सकते, उनके लिए भी बहुत अच्छे फ़ायदेमंद और घर की खूबसूरती के लिए अच्छी चीज़ है, ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, और व्यूवर्स, आज हम अपनी वीडियो का इख्तिताम इसी सूरजमुखी के फूल पर करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ दिन तक इस पर और भी फूल निकल आएंगे, वो भी आपको साथ साथ बताएंगे, दिखाएंगे कितना खूबसूरत लगते हैं। ये ज़बरदस्त लग रहा है, और आप भी अपने घर में पौधे लगाएं, अच्छा होता है पौधे लगाना, ग्रीनरी से फ्रेश होता है इंसान सुबह सुबह देख कर। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मल्टीटास्क कर को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।